Hello and welcome to this all-new session of Indian Constitution, where we'll be discussing a new topic, and that is Union and its territories. Okay, Union and its territory, that is Article 1 to 4, Part 1 of the Constitution. From the very beginning, we'll start it. ठीक है जी, start करने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले तो 1 और 2 जो मैं अपने पिछले सेशन में करवा चुका हूँ, हल्का सा रिकैप्चुलेट कर देता हूँ. ठीक है, और वो कुछ इस प्रकार है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो यहां से दो तीन इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आती है. वो क्या क्या बातें निकल के आती हैं? पहला, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दो नाम रिकॉग्नाइज करता है, इंडिया और भारत. वर्ड हिंदुस्तान को हम कंसिडर नहीं करते लीगली, क्यों? वो नॉन सेकुलर माना गया था. डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने उसको ठीक ना समझते हुए निकाल दिया. तो दो ही नाम है, इंडिया और भारत. दूसरा, शैल बी अ, शैल, जहां शैल वर्ड आता है वो है कंपल्सरी यानी मैंडेटरी यानी डिक्लेयर्ड. ठीक है जी, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. हालांकि पेरेंट लॉ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैकबोन है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जो कि भारत को डिक्लेयर करता है ऑल इंडिया फेडरेशन. पर इंडिया ऑल इंडिया फेडरेशन कभी बना नहीं, इंडिया ऑल इंडिया फेडरेशन है नहीं. क्लियर? हम फेडरेशन ना होकर क्या है, यूनिटरी है. वी आर मोर यूनिटरी, वी आर अ यूनियन. अगली चीज, हम यूनियन किस चीज की है, यूनियन ऑफ व्हाट? हम यूनियन ऑफ स्टेट्स है. हम टेरिटरी ऑफ थ्री थिंग्स है, स्टेट्स, टेरिटरी ऑफ थ्री थिंग्स है, स्टेट्स, यूटीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज. पर हम यूनियन केवल स्टेट्स की है. यूनियन वर्ड का मतलब है लीगल रिलेशनशिप है. ठीक है, और ये था आर्टिकल 1. फिर आता है आर्टिकल 2. हम सॉवरन है, इस कारण से हम कुछ एरियाज को एक्वायर भी कर सकते हैं. क्या हमने कभी कुछ एरियाज को एक्वायर किया? बिल्कुल किया, जैसे कि गोवा को किया, दमन एंड दीव को किया, दादरा एंड नगर हवेली को किया, पुडुचेरी को किया, इस तरह कई और एरियाज को हमने एक्वायर किया दोनों. ठीक है जी, तो यस वी कैन एक्वायर न्यू एरियाज आल्सो बिकॉज वी आर सॉवरेन इन नेचर. अगर हम एग्जैक्ट वर्ड्स की बात करें आर्टिकल 2 की, तो मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों के लिए. देखिए क्या कहता है आर्टिकल 2, वेरी ब्यूटिफुली रिटन. आर्टिकल 2 कहता है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट. हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्या कर सकते हैं, हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर नई एरियाज को एक्वायर भी कर सकते हैं. ठीक है, और उसी हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल 1 में उनकी एंट्री हो जाएगी. क्लियर? स्केड्यूल 1 क्या चीज है? स्केड्यूल 1 जो है वो ये बताता है कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं और कौन कौन सी यूटीज हैं. क्लियर? तो अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, और वो है आर्टिकल 3. क्यों? आर्टिकल 2A जो सिक्किम से रिलेटेड थी उसको हमने क्या कर दिया था, रिपील कर दिया था. 36th amendment, जी हाँ, 36th amendment 1975 में आर्टिकल 2A वाज रिपील्ड. सो नाउ कम्स आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लेट्स स्टार्ट, उसे हम बिगिन करते हैं यहाँ. ओके, क्या कहता है आर्टिकल 3? भारत क्या है, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. एक ऐसी यूनियन जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, मगर एक ऐसी यूनियन जिसके जो मेंबर्स हैं यानी मेंबर स्टेट्स हैं यानी जो स्टेट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. एक स्टेट को तोड़ के दो स्टेट बनाई जा सकती है, दो स्टेट को मिला के एक स्टेट बनाई जा सकती है, किसी भी स्टेट का नाम बदला जा सकता है, उसकी बाउंड्री बदली जा सकती है अंडर आर्टिकल 3. आर्टिकल 3 हमें एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स बनाता है.
किसी भी स्टेट को अलाउड नहीं है कि वो भारत को छोड़कर जाए. क्लियर? नो मेंबर स्टेट कैन सीसीड दिस यूनियन. क्लियर? मगर सेंटर यानी कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट का नाम बदल सकती है. ठीक है, जैसे कि बिहार को ब्रेक करके उसमें से एक और स्टेट निकाल दी गई, उसका नाम दिया गया झारखंड. ये ईयर 2000 में हुआ. मध्य प्रदेश को तोड़कर उसमें से भी सन 2000 में एक स्टेट निकाली गई जिसको नाम दिया गया छत्तीसगढ़. यूपी में से भी तोड़कर एक स्टेट निकाल दी गई जिसको नाम दिया गया उत्तरांचल. बाद उसका नाम कन्वर्ट करके क्या कर दिया? उत्तराखंड. क्लियर? आंध्र प्रदेश को तोड़कर उसमें से लेटेस्ट अभी एक स्टेट निकाली गई है और बना दिया तेलंगाना. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट होती थी, उसको ब्रेक करके बना दी दो यूटीज. क्लियर? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी स्टेट को यूटी बना सकते हैं, हम एक स्टेट के दो स्टेट्स बना सकते हैं. ठीक है, क्वाइट. सो दिस इज ऑल अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज सेंटर. क्या उसके लिए स्टेट की मर्जी चलेगी या सेंटर की मर्जी चलेगी? अब ये मिक्स क्वेश्चन है. स्टेट की मर्जी चलेगी या सेंटर की? आर्टिकल 3 का बिल और उसका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कुछ अनूठा है. अब मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ, समझिए ध्यान से. मैं इसके साथ ही अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा क्या है आर्टिकल 3. क्लियर? लेट्स स्टार्ट. ये आ गया आप लोगों के सामने आर्टिकल 3. क्लियर? ये मैं कुछ स्टार्टिंग कुछ चीजें आपको कल ही बता चुका हूं. क्लियर? वेट, मैं इसको सेट कर देता हूं. चलो स्टार्ट करते हैं. मैं अभी अभी आपको बताकर हटा हूं कि ये the names of states and UTs and their constitutional extent are mentioned in the first schedule. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट स्केड्यूल में एसी ठीक है. चलो करते हैं स्टार्ट. ये सभी स्टेट्स और सभी यूटीज, ठीक है, कहां पर इसकी लिस्ट गिवन है? फर्स्ट स्केड्यूल में. एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स है, 9 यूटीज है. ओके, चले आगे. ये मैं सब आपको पिछले सेशन में करा चुका हूं. और स्पेशल प्रोविजंस है किसके लिए? ठीक है, फॉर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, ये सब कुछ है. क्लियर? और फिफ्थ और सिक्स्थ स्केड्यूल जो है वो भी कुछ स्टेट्स को स्पेशल दर्जा देती है, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज. ओके, और अब हम आ रहे हैं ये आर्टिकल 3 जो आज का मेन टॉपिक है. लेट्स स्टार्ट. पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 के अंतर्गत 5 चीजों की अथॉरिटी है. सबसे पहली चीज कि एक यूनियन टेरिटरी में से एक एरिया को सेपरेट करके एक नई स्टेट फॉर्म कर देना. ठीक है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स. मैंने कहा दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट भी बनाया जा सकता है. और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट. देन किसी स्टेट के एरिया को इंक्रीज करना, स्टेट के एरिया को कम करना, स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना या फिर स्टेट के नाम को चेंज करना, ऐसा कुछ भी कर सकती है कौन? पार्लियामेंट. Then, दो conditions हैं इसके ऊपर. There are two conditions ऐसा करने से पहले. पहला, आर्टिकल 3 का जो बिल बनता है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं होता, ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है. ठीक है, और ये इसमें होता क्या है? पहला, ये जो बिल है इट कैन बी अ बिल अंडर आर्टिकल 3 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. यानी जब तक प्रेसिडेंट इसको वो नहीं करेगा
अप्रूव नहीं करेगा, रिकमेंड नहीं करेगा, तब तक ये पार्लियामेंट में नहीं आएगा। दूसरा, बिफोर पार्लियामेंट रिकमेंड्स, बिफोर प्रेसिडेंट रिकमेंड्स इट, प्रेसिडेंट इसको प्रायर असेंट देगा तो ये आएगा पार्लियामेंट में, और प्रायर असेंट देने से पहले उसको स्टेट लेजिस्लेचर से पूछना होगा, क्या आप इस चीज के लिए तैयार हो कि आपकी स्टेट का नाम बदल दिया जाए, एरिया बदल दिया जाए, कि स्टेट को एक्सप्रेस, स्टेट लेजिस्लेचर को एक्सप्रेस करना होगा अपना व्यू पॉइंट कि वो क्या चाहते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। समझो, एग्जांपल लेते हैं, मान लो पंजाब का नाम चेंज करना है, ठीक है जी, और पंजाब का नाम कोई अच्छा नाम रखे, जैसे चेकोस्लोवाकिया टाइप का नाम है, कोई ऐसा रखना है, तो पहले जाएगा ये बिल किसके पास, ये आर्टिकल 3 का बिल है, ठीक है, ये पहले जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इसको प्रायर रिकमेंडेशन देगा, प्रायर असेंट देगा, तभी जाएगा पार्लियामेंट में, पहली चीज। दूसरी, प्रेसिडेंट अप्रूवल देने से पहले इसको कहां भेजेगा, पंजाब विधानसभा, यानी पंजाब का स्टेट लेजिस्लेचर, कि आप बताओ हाँ या ना, और वो भी बताओ आप 6 महीने के अंदर अंदर, यानी स्पेसिफाइड पीरियड में, क्लियर। फिर अगर तो पंजाब सरकार ने इन 6 महीनों में कह दिया नो, हमारा नाम ना बदलो, क्या उसके बाद प्रेसिडेंट अप्रूवल दे सकता है? आंसर इज यस। सिर्फ एक बार पूछना जरूरी है, स्टेट का कंसेंट मांगना जरूरी है, कंसेंट ऑफ द स्टेट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, पहली बात। दूसरा, 6 महीने के अंदर अंदर अगर पंजाब सरकार ने जवाब दिया ही नहीं, चुप रही पंजाब सरकार, तो क्या उसको उसके बाद, टाइम पूरा हो जाने के बाद, प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन देके असेंट साइन करके पार्लियामेंट में भेज सकता है इस बिल को? यस, भेज सकता है। यानी ना तो बोला यस, ना बोला नो, उसके बाद भी प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है। तीसरा, 6 महीने जब पूरे हो गए, कोई जवाब नहीं आया, क्या 3 मंथ्स की एक्सटेंशन, 2 मंथ्स की एक्सटेंशन, कुछ ऐसा पीरियड भी एक्सटेंड कर सकता है प्रेसिडेंट? आंसर यस, कर सकता है। समझ में आया? तो और आगे चलते हैं हम, क्लियर। यानी ये सिर्फ एक प्रोसीजरल अफेयर है कि एक बार प्रेसिडेंट को पूछना पड़ेगा कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर से, ओके, फिर चाहे वो हाँ बोले, ना बोले, या कुछ भी ना बोले, काम आगे हो सकता है। फैसला लेगी पार्लियामेंट, प्रायर असेंट होगा प्रेसिडेंट का, प्रायर असेंट से पहले कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर से एक बार पूछना जरूरी है। जो पूछा गया उसमें 3 बातें होगी, वो यस बोले तब भी काम आगे चलेगा, नो बोले तब भी काम आगे चलेगा, कुछ ना बोले तब भी काम आगे चलेगा, और टाइम खत्म हो गया तब भी काम आगे चलेगा, और टाइम खत्म होने के बाद टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है, ओके। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म एनी स्टेट्स इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और अ यूटी। एक नई स्टेट बनाई जा सकती है, एक नई यूटी भी बनाई जा सकती है, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में हुआ, स्टेट को तोड़कर उसमें से 2 यूटीज बना दी गई, क्लियर। और आगे चलते हैं, अब जो पार्लियामेंट है या जो प्रेसिडेंट है, क्या ये बंधे हुए हैं? आर दे बाउंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर? आंसर, नॉट बाउंड। जो स्टेट लेजिस्लेचर कहे जरूरी नहीं है कि वो बात माननी होगी, चाहे तो स्टेट की बात को एक्सेप्ट करे, चाहे स्टेट की बात को रिजेक्ट करे, ठीक है। इन टाइम भी अगर जवाब दिया है, ठीक है, तब भी स्टेट लेजिस्लेचर की बात, वो चाहते हैं नाम बदला जाए या ना बदला जाए, ये सिर्फ रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पूछना जरूरी है। आगे, नेक्स्ट, इट इज, एक बार बिल पास कर दिया, नाम चेंज कर दिया, फिर से कुछ नाम चेंज करना है, मान लो फर्दर, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम एंड अमेंडमेंट टू द बिल इज मूव्ड एंड एक्सेप्टेड। जिस लॉ को पास करके, आर्टिकल 3 का बिल जो पास हुआ, वो एक एक्ट बन गया, अब उस एक्ट में अगले साल कुछ अमेंडमेंट लेके आनी है, तो क्या फिर से स्टेट लेजिस्लेचर से पूछना पड़ेगा? आंसर इज नो। समझ में आया? जैसे कि यूपी में से ब्रेक करके बनाया गया उत्तरांचल, उत्तरांचल स्टेट बन गई, बिल पास हो गया, बाद में उस बिल को अमेंड करके उत्तरांचल वर्डो करना था उत्तराखंड, तब भी क्या फिर से कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर से पूछना जरूरी है? आंसर इज नो।
अब यूपी से कोई पूछना जरूरी नहीं है, समझ में आया। और आगे चलते हैं, इन केस ऑफ अ यूटी नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब समझो जहां पर यूटी है, यूटी को स्टेट बनाना है, तब भी क्या कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि यूटी तो पहले से सेंटर की होती है। अगर यूटी को स्टेट बनाना है तो क्या यूटी को कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर तो होता नहीं है वहां पर। ठीक है जी, नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर टू एसर्टेन इट्स व्यूज एंड द पार्लियामेंट इटसेल्फ टेक एनी एक्शन एज इट डीम्स फिट। क्लियर, क्यों? यूटी पहले से सेंटर की है। देन अब कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है नई स्टेट्स बनाने के लिए, ठीक है, या फिर नाम एरिया बाउंड्री चेंज करने के लिए, ठीक है, बिना उस स्टेट के उस स्टेट लेजिस्लेचर के कंसेंट के, यानी कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर ने अलाउ नहीं भी किया तब भी काम हो सकता है, उन्हें जवाब नहीं दिया तब भी ऐसा हो सकता है आगे। और इस तरह से पार्लियामेंट रीड्रॉ कर सकता है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से। ओके, इस तरह से देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बची रहती है। ठीक है, hence the territorial integrity and continued existence of any state is not guaranteed. States जो है वो destructible है, center यानी पूरा देश indestructible है, पर states destructible है। okay, इसी कारण से हम कहते हैं हम एक indestructible union है of destructible states। center चाहे तो destroy कर सकता है states को। okay, the union government can destroy the states, whereas state governments cannot destroy them. State government union से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। क्या कोई state अपने आप को अलग कर सकती है? नहीं कर सकती। ठीक है जी, अब USA में अलग काम है। okay, वहां पर continued existence of a state is guaranteed. Territorial integrity of a state is guaranteed by constitution. USA एक ऐसी कंट्री है जो कि ट्रूली फेडरल है, क्योंकि यूएसए फेडरल है, इस कारण से वहां पर स्टेट की एग्जिस्टेंस जो है वो गारंटेड है। क्लियर, हमारे यहाँ स्टेट को तो जम्मू कश्मीर स्टेट को खत्म ही कर दिया गया। ओके, और आगे चलते हैं, फेडरेशन में स्टेट इज मोर पावरफुल, यूनियन में सेंटर इज मोर पावरफुल, इससे पता चलता है वी आर मोर यूनिटी। ओके, फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें न्यू स्टेट्स नहीं बन सकती, ना ही स्टेट की बॉर्डर्स चेंज किए जा सकते हैं बिना उस कंसेंट लिए उस स्टेट के, और कंसेंट ऑफ द स्टेट इज बाइंडिंग देयर, यहां पे बाइंडिंग नहीं है। ओके, इसलिए यूएसए हमसे उल्टा है, कैसे? वो इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, हम इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, ये इन यहां इंडिया में कट जाता है। और आगे चलते हैं, ठीक है, अब आता है आर्टिकल 4, ये डिक्लेयर करता है, ठीक है, दैट लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, जो कि आर्टिकल 3 के बिल होते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं मानी जाएंगी। यानी कि दो बातें इंपॉर्टेंट नोट करना, ऑर्डिनरी बिल माना जाएगा, कौन सा बिल माना जाएगा एक नई स्टेट बनाने का? Ordinary bill. It is not a constitution amendment bill under Article 368. Article 368 का bill नहीं माना जाएगा. Article 368 के bill को constitution amendment bill कहते हैं. तो Article 4 कहता है कि Article 3 का bill not a constitution amendment bill. फिर से बोल रहा हूँ, Article 4 ये बात declare करता है कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत बना हुआ बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं है अंडर आर्टिकल 368। समझ में आया? तो इसीलिए प्रोसीजर भी कौन सा लगेगा? ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर चलेगा। कौन सा प्रोसीजर चलेगा? ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। क्लियर, और कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? ऑर्डिनरी मेजॉरिटी चाहिए। ऑर्डिनरी मेजॉरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग, मोर देन 50%, 50% ज्यादा, यानी सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होगा। ठीक है, इट मींस दैट सच लॉज कैन बी पास बाय सिंपल मेजॉरिटी बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ओके, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वाला प्रोसेस नहीं चलेगा। ओके, और आगे चलते हैं,
Next, does the power of parliament to diminish the areas of a state under Article 3 include also the power to cede Indian territory to a foreign country? क्या हम अपना एरिया, क्या पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है अपना एरिया किसी और कंट्री को दे दो? ठीक है, ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया 1960 में, ठीक है, और बेरुबानी यूनियन वर्सेस एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स केस इसको कहा जाता है। द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीड पार्ट ऑफ अ टेरिटरी नोन एज बेरुबानी यूनियन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान लेड टू पोलिटिकल एजिटेशन and a controversy and thereby necessitated the presidential reference. समझो, कुछ एरिया, क्योंकि हमने हमने क्या किया, जो कुछ एरिया था जो बेरुबानी यूनियन एरिया बोला जाता था, ये कहाँ था, वेस्ट बंगाल में, उसको उस वक्त के पाकिस्तान को दिया जाए या ना दिया जाए ये फैसला लेना था कि क्या क्या पार्लियामेंट के द्वारा इंडियन टेरिटरी फॉरेन कंट्री को दी भी जा सकती है या नहीं। ये फैसला कैसे लेंगे, ठीक है, क्या पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है अपना एरिया, इंडिया का एरिया किसी और कंट्री को देने की, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने सवाल पूछा किससे, सुप्रीम कोर्ट से पूछा, किस आर्टिकल के तहत पूछा, अंडर आर्टिकल 143, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वर्ड देखिएगा, एडवाइजरी jurisdiction of Supreme Court. क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है उसको, आप उसको प्रेसिडेंट को जवाब देना ही पड़ेगा, आंसर नो। क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से, बोथ क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्लियर। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 does not cover cession of Indian territory to a foreign country, ठीक है, therefore Indian territory can be ceded to a foreign state only by amending the constitution under article 368. Consequently, the 9th constitutional amendment act 1960 was enacted to transfer the said territory to Pakistan. देखिए, अभी कुछ समय पहले भी बांग्लादेश के साथ हमने LBA किया है, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, कुछ एरिया उनको दिया, उनका कुछ एरिया हमने ले लिया, तो तब 1960 में यही बात उठी थी कि क्या कुछ एरिया हम उनको दे सकते हैं, दे तो सकते हैं पर अंडर आर्टिकल 3 नहीं दे सकते, अंडर आर्टिकल 368 दे सकते हैं, यानी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के द्वारा नहीं दिया जा सकता, स्पेशल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो मेथड है उसके द्वारा दिया जा सकता है। जो 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था वो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में था। देखो ना, वो आर्टिकल 3 का बिल नहीं था, वो ऑर्डिनरी बिल नहीं था, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था। क्यों? क्योंकि बेरुबानी यूनियन वर्सेस एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स केस 1960 में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इंडिया को अगर अपना कुछ एरिया फॉरेन कंट्री को देना है तो वो अंडर आर्टिकल 3 नहीं हो सकता, अंडर आर्टिकल 368 हो सकता है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सिंपल मेजोरिटी से नहीं हो सकता, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 प्रोसीजर गिवन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ऐसा हो सकता है, क्लियर। और 1969 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, दैट सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड एनी अदर कंट्री does not require a constitutional amendment. A boundary dispute जैसे कि पाकिस्तान के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, ज्यादा कंट्रीज हो जाता है पड़ोस में, ठीक है, वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है, वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है, ठीक है, और उसका मतलब अपना एरिया किसी और को देना नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, सीधा सॉवरन पार्स के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको 100th बिल के बारे में बताना चाहूंगा, 2015 लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, ठीक है, जो इट क्यों हुआ था, इट वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द एक्वायरिंग ऑफ सर्टेन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन, कुछ एरिया हमने उनको दिया, कुछ एरिया उनसे लिया, ठीक है जी। और इन परसुएंस ऑफ द एग्रीमेंट एंड इट्स प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू बिटवीन द गवर्नमेंट्स,
जो हमारा एग्रीमेंट हुआ दोनों कंट्री से उसके तहत ऐसा कुछ एरिया एक्सचेंज हुआ था, ठीक है। 111 एनक्लेव हमने उनको दिए और 51 एनक्लेव उन्होंने हमें दिए थे, ठीक है। फिर इस डील में एक और चीज थी, ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजेशंस एंड द डीमार्केशन ऑफ अ 6.1 किलोमीटर अनडीमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच। इसका क्या मतलब है? एडवर्स पोजेशन क्या है? जिस पर लंबे समय से कब्जा है किसी का, तो बाद में वो चीज उसी की हो जाती है। द डील ऑल्सो इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजेशंस एंड द डीमार्केशन ऑफ अ, जो क्लियर नहीं था क्या एरिया कि भाई ये जिसे कहते हैं डीमार्केशन ऑफ 6.1 किलोमीटर अनडीमार्केटेड एरिया, जो अनडीमार्केटेड एरिया था उसकी मार्केशन हो जाएगी कौन सा एरिया कौन सी कंट्री का है, ओके। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा मॉडिफाई कर दिया गया, ठीक है। क्या मॉडिफाई हुआ? इट मॉडिफाइड द प्रोविजन इनटू द टेरिटरीज ऑफ 4 स्टेट्स। 4 स्टेट्स की टेरिटरीज पर इफेक्ट पड़ा, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। और कहां चेंजेस आए? फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस आए, ओके। और इनके कुछ एरियाज एक्सचेंज हुए थे, ओके। ये नोट्स आपको दिए जा चुके हैं, इसको आप देख सकते हैं कि 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में क्या क्या हुआ था, कौन सा एरिया उनको दिया, कौन सा हमें मिला, ये आप इसको नोट्स में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट जितना मैंने आपको दिया था, क्लियर। जब भारत देश आजाद हुआ तब माउंट बैटन प्लान के अंतर्गत भारत आजाद हुआ था, ठीक है। लॉर्ड लुई माउंट बैटन जो थे, जब वो भारत को आजाद करने की जब बात हुई, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? ये कहा कि अब से भारत और पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट देश बन गए हैं। जो भारत में ये 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो ये 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी जो रजवाड़े हैं, ठीक है, इनकी मर्जी है चाहे वो इंडिया को ज्वाइन करें या फिर वो चाहे पाकिस्तान को। तो कैसे हुआ एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, कैसे इंटेग्रेशन हुई प्रिंसली स्टेट्स की इंडिया में, मैं आपको करवाऊंगा अपने अगले सेशन के साथ। बने रहिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स आल्सो, क्लियर। अब मैं इसकी मेन जो एक भूमिका आपको बता देता हूँ कि है क्या, क्लियर। इसकी डिटेल्स हम अगले सेशन में करेंगे, करते हैं स्टार्ट, ओके। अब देखिए एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज में हुआ क्या था। 565 रियासतें, दो देश बन गए, इंडिया और पाकिस्तान, ओके। अब जो रजवाड़े थे, जैसे जूनागढ़ एक रजवाड़ा था, हैदराबाद, ठीक है, कश्मीर, ठीक है, ऐसे और भी कई थे जो कि कंफ्यूज हो गए कि इंडिया को ज्वाइन करें या फिर किसको ज्वाइन करें, पाकिस्तान को, क्लियर। तो हैदराबाद जूनागढ़ और कश्मीर सबसे ज्यादा न्यूज में रहे। तब के तत्कालीन जो वो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जिम्मा दिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, डिप्टी पीएम को, जो थे सरदार पटेल। सरदार पटेल की ड्यूटी लगाई गई कि साम दाम दंड भेद जैसे मर्जी करो, ज्यादा से ज्यादा रजवाड़ों को भारत साथ मिलाओ, मिलने दो, ना कि पाकिस्तान के साथ, क्लियर। तो इस तरह से हमने काम करना शुरू किया और इन लोगों को प्रेशराइज किया और सब पावर्स यूज करके इनको इंडिया में मिलवाया, ठीक है। अब ऑफ द 552 प्रिंसली स्टेट्स सिचुएटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, क्योंकि कुछ ऐसी इंडिया ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर थी, 549 जॉइंड इंडिया एंड द रिमेनिंग 3 हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। 3 ने इंडिया को ज्वाइन करने से मना किया, क्लियर। फिर हैदराबाद को तो पुलिस एक्शन के द्वारा हमने खुद अपने साथ ऐड करवाया, ओके, दे इंटेग्रेटेड विद इंडिया, ओके। जूनागढ़ को रेफरेंडम के द्वारा इंडिया के साथ जोड़ दिया गया और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ इंडिया से जोड़ा गया, क्यों? कबाइलीज जो थे वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने जबरदस्ती कश्मीर को छीना चाहा। कश्मीर ने अपने आप को आजाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया था। जिस तरह से हमने ताकत के बल से हैदराबाद को अपने साथ जोड़ा,
उसी तरह से पाकिस्तान ताकत के बल पर कश्मीर को अपने साथ जोड़ना चाहता था, अपने ट्राइबल्स को उन्होंने तारे क्रॉस कराकर घुसा दिया कश्मीर में, उन्होंने कुछ एरिया पर कब्जा कर लिया जिसको आज के हम पीओके कहते हैं। फिर तब के जो राजा थे कश्मीर के, उन्होंने मदद मांगी भारत सरकार से, हमने उन्हें मदद दी, क्लियर, और हमने पाकिस्तान से बचाया कश्मीर को और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके कश्मीर को मिलाया इंडिया के साथ, ठीक है। तो ये कहानी थी किस तरह से दो सेपरेट डोमिनियंस बने, इंडिया और पाकिस्तान, और रजवाड़ों ने तीन ऑप्शंस में से डिसाइड किया, ठीक है, इंडिया को ज्वाइन करें, पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या इंडिपेंडेंट रहे, और ज्यादातर ने इंडिया को ज्वाइन किया, क्लियर। और आगे चलते हैं हम, और ये श्रेय जाता है किसको, सरदार पटेल को, इसीलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनी है, दुनिया के की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है, गुजरात में, किस सरकार ने बनवाई, मोदी सरकार ने बनवाई, क्लियर। जब ये स्टेट्स बनी तो हमने फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन की, चार तरह की स्टेट्स, पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स, पार्ट डी स्टेट्स, और ये सेवंथ स्केड्यूल में लिखा गया था, मगर अब सेवंथ स्केड्यूल नहीं है, उसको रिपील किया जा चुका है, अब सभी स्टेट्स बराबर है, ओके। इन ऑल द नंबर 29 बन गई है। पार्ट ए स्टेट्स में 9 उस समय की हमारे बड़े प्रोविंसेस थे, ठीक है, जिसको गवर्नर्स प्रोविंसेस कहते हैं, ठीक है, और पार्ट बी में 9 प्रिंसली स्टेट्स थी, बड़ी बड़ी स्टेट्स, पार्ट सी में चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है, और ये जो पार्ट सी की स्टेट्स थी उन्होंने 10 थी, और फिर अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर कैप्ट एज अ सॉल्टरी पार्ट इन पार्ट डी, ओके, कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, ओके। फिर दो कमिटीज बनी, धार कमीशन और जेवीपी कमिटी, इसकी कहानी क्या है। ये जो इंटेग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हुआ था, ठीक है, ये प्योरली एक एडहॉक अरेंजमेंट था, ओके। फिर देयर हैज बीन अ डिमांड फ्रॉम डिफरेंट रीजंस, खासकर साउथ इंडिया से डिमांड थी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो साउथ इंडिया वाले चाहते थे लैंग्वेज पर आधार, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बने, तभी 1948 में कमिटी बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया, जिसके हेड थे एस के धार, ठीक है, कि क्या लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाई जा सकती है या नहीं, और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1948 दिसंबर में, ठीक है, और कहा कि जो स्टेट्स बने वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बननी चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर, नहीं तो भाषा के नाम पर ही लोग लड़ते रहेंगे, इसकी वजह से लोग नाराज हुए, उनकी बातें नहीं मानी गई, बहुत रिसेंटमेंट पैदा हुई लोगों में, और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिटी एक और बनी, ठीक है, ये कब बनी, ये भी दिसंबर 1948 में बनी, 3 लोग थे, जेवीपी कहते हैं इसको, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से पत्ता भी सीतारमैया, ठीक है, इसीलिए जेवीपी कमिटी कहते हैं। उन्होंने रिपोर्ट दी और उसने भी क्या कहा, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद तो जो उस वक्त की मद्रास स्टेट थी उसमें समझो दंगे भड़क गए, हम मजबूर हो गए फिर लैंग्वेज के आधार पर मद्रास को तोड़ने के लिए, और जो तेलुगु बोलने वाला एरिया था वो अलग हुआ, तमिल बोलने वाला एरिया अलग हुआ, और तमिल बोलने वाला एरिया बन गया तमिलनाडु, तेलुगु बोलने वाले लोग जो थे वो अलग होकर कौन स्टेट बन गई, आंध्र प्रदेश, समझ में आया। तो आंध्र प्रदेश वॉज फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड, जो सबसे पहली स्टेट जो क्रिएट की गई, ठीक है, अंडर आर्टिकल 3 आउट ऑफ सम अदर स्टेट, तो वो को ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, अक्टूबर 1953 में सरकार के पास कोई चारा ही नहीं बचा, हम इंडियन गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग एरिया को मद्रास में से बाहर किया गया, ठीक है, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड पॉपुलर एजिटेशन हुआ,
और डेथ हुई, किसकी डेथ हो गई थी, पोती श्री रामलू, ठीक है, ये कांग्रेसी लीडर थे, ठीक है, 56 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी डेथ हो गई थी, तो सरकार उनको टेकने पड़े और लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनानी पड़ी, क्लियर। फिर बाद में एक और कमीशन बना, फजल अली कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी कहते हैं इसको, ठीक है, और उसने भी फिर कुछ रिकमेंडेशन दी, ठीक है, ये 3 मेंबर कमिटी थी जिसके हेड थे फजल अली और 2 मेंबर्स थे के एम पानिकर और एच एम गुजरू, ठीक है। इनकी रिपोर्ट सितंबर 1955 में आई और इन्होंने दे ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट का फॉर्मूला इन्होंने रिजेक्ट किया, ठीक है, इन्होंने कहा ऐसे तो भारत टूट जाएगा, बढ़ जाएगा भाषा के आधार पर। इट्स व्यू वाज दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज द प्राइमरी कंसीडरेशन, ठीक है, इन एनी रीड्रॉइंग ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट्स। एक भाषा बोलने वाले को एक स्टेट नहीं बनाना, इन्होंने ये कहा, ठीक है, और इन्होंने रिकमेंडेशंस दी, 4 फैक्टर्स दिए, इनको दिमाग में रखते हुए आप बनाओ क्या स्टेट्स की यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंसीडरेशंस, प्लानिंग एंड प्रमोशन, क्लियर। तो ये था रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कल हम इससे आगे आपको करवाएंगे अपने अगले सेशन में। आपको सेशन अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, गिव योर कमेंट्स, शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर सजेशंस शैल बी इनकॉर्पोरेटेड। बाय बाय, सी यू एंड मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव सक्सेस इन योर लाइफ। आई एम सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग।